याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारा तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा। हम नहीं भूलेंगे, याद रखो तुम, हम वो भी नहीं भूलेंगे। ओवैसी ने जो कहा है कि हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये कोई कोरी धमकी या राजनीतिक भाषण नहीं है। ओवैसी जो कह रहा है ये लोग वो पहले कर चुके हैं। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कोलकाता की सड़कों में जो हुआ वही तो बोल रहा है ओवैसी दोबारा करने के लिए। लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से जो हिंदू भाग कर आए हैं उनसे कभी बात कीजिए, ओवैसी जो बोल रहा है ये सच में किया है इन लोगों ने। अभी कुछ दशक पहले कश्मीरी पंडितों के साथ जो किया गया वही बोल रहा है ओवैसी, दोबारा वैसा ही नरसंहार करने की धमकी। हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा। ओवैसी तू एक बात ध्यान से समझ ले, हमें बचाने तो साक्षात नारायण स्वयं आते हैं, तू अपनी सोच, तुझे कौन बचाएगा। मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं है, इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये 1921 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। और तुम्हारी ये सोच कि मोदी योगी हटे और हिंदू कटे, इस सोहरावर्दी वाली सोच, इस जिन्ना वाली सोच, इस सोच को जड़ से ख़त्म किया जाएगा इस भारत में। और ये याद रखना, ये नया भारत है, यहाँ आस्तीन के सांपों को अब दूध नहीं पिलाया जाएगा, आस्तीन के सांपों के फनों को अपनी एड़ियों के नीचे कुचला जाएगा। ये जितनी जल्दी ओवैसी और ओवैसी के भाषण में ताली बजा रहे उसके चमचे समझ लें, उतना मुझे लगता है कि इन सब की भलाई है। जय श्री राम। उसकी दाढ़ी को लोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो? मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारा तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा। हम नहीं भूलेंगे, याद रखो तुम, हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे उसको मार रहे थे, वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी, यही कानपुर में हुआ था ना।
हम याद रखेंगे, वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे इन चीजों को। और आप अगर समझ रहे हैं कि लट लेके मारेंगे, टीवी पर दुनिया ने देखा कि बाप है गोद में मासूम सा बच्चा है और पुलिस के थानेदार लट से मार रहे हैं, बाप कह रहा है बच्चे को लगेगी, बच्चे को लगेगी। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो थानेदार साहब कह रहे हैं हीरो बनता है तुझे हीरो बनाऊंगा। अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो हीरो बनेगा, कल तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े लोग उड़ जाते हैं, मौत आएगी इंशाअल्लाह ताला, मुझे भी आएगी, मगर मैं वादा कर रहा हूं कि अल्लाह जिंदगी की जितनी मोहलत दिया, मैं अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को मजलूमों के इंसाफ के लिए, मुसलमानों के हक के लिए और जालिमों से पंजा आजमाई करने के लिए उस वक्त को लगाऊंगा जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा। असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश से भारत के कोने कोने में जाता रहेगा। अगर आज अतीक जेल में है तो अतीक की जबान में अवैसी बोलता रहेगा। अगर आज आजम जेल में है तो आजम की तकलीफ को अवैसी बयान करेगा। इन हमारे भाई लोग जो कमजोर है, मजलूम है, उनको हिम्मत दिलाना है, हौसला दिलाना है, हिस्सा लेना है। हिस्सेदारी की लड़ाई याद रखो, 19% मुसलमान है, हमारा हिस्सा क्या होगा? जब हिस्सा मिलेगा तब इंसाफ होगा। ये ऐसा मामला नहीं है कि तुम हमको वोट हासिल कर लो और वोट हासिल करने के बाद मुसलमानों को चपरासी से बदतरीन उनसे सलूक करो। अब चपरासी की बात नहीं होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी और हम हिस्सा लेकर रहेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात बिल्कुल सही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए मुसलमानों का इंशाअल्लाह ताला। मजलिस के अगर 15-20 एमएलए कामयाब होंगे, सोचो आप थोड़ी देर के लिए, सोचो थोड़ी देर के लिए, हालात बदलेंगे मेरे भाई। मुत्तहिद रहिए,